रामपुर में चोरी, लूट, मर्डर, बलात्कार जैसे अपराधों की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। रामपुर जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में थानागंज पुलिस को मिली कामयाबी। मुखबिर की सूचना पर दो शातिर चोर गिरफ्तार। रामपुर में थानागंज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पहाड़ी गेट ओवर ब्रिज के पास से दो चोरों को, एक तमंचा, एक चाकू व चोरी किए गए सामान और 1 लाख रुपये, 10,000 की नकदी के साथ गिरफ्तार किया है, जिसमें अभियुक्त शाहनवाज अहमद और शैजी दोनों ने मिलकर पहले भी दिया था चोरी की घटनाओं को अंजाम। वहीं इस मामले में रामपुर SP डॉक्टर विपिन टाडा द्वारा बताया गया कि थानागंज क्षेत्र में काफ़ी समय से चोरी की घटनाएं हो रही थी, जिसमें आज थानागंज पुलिस को कामयाबी मिली है, जिसमें दो अभियुक्तों को, एक तमंचा, एक चाकू, 1,10,000 रुपये की नकदी और चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया गया है। दोनों अभियुक्तों पहले भी अन्य मामलों में जेल जा चुके हैं। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रामपुर UP से नजीम अली, आज़ाद TV न्यूज़। जिसमें थानागंज में काफ़ी समय से चोरी वगैरह हो रही थी शहर के क्षेत्रों में, इसी को देखते हुए पुलिस को लगाया गया था एक चोरी की घटनाओं का पर्दाफाश करने के लिए, जिसमें एक पुलिस को कामयाबी मिली और दो अभियुक्त पकड़े गए हैं और दोनों अभियुक्त पूर्व में जेल जा चुके हैं अन्य मुकदमों में। इनसे चोरी हुई लगभग 1,10,000 की रकम, एक अवैध तमंचा, जो चोरी हुआ मोबाइल, घड़ी, 4 जोड़ी पागेग इत्यादि मिले हैं जो कि शिनाख्त किए गए हैं और इसी के आधार पर इन पर मुकदमा दर्ज करने गई है।